ग्रंथ को गाली देते हो और फिर राजनीति करते हो। इनको, इन लोगों को राम उम से मतलब नहीं, रामचरितमानस पे सवाल नहीं है। पप्पू यादव गलत होगा तो क्या सब यादव को गरियाओगे? अगर बीजेपी को कोई धंधा है, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, उसकी तस्वीर क्यों नहीं लगाता? बुद्ध का तस्वीर दलितों के घर में ही कहा है। सर, सर मुझे तो समझ में नहीं आता है, गठबंधन के नेता है और उन्हीं को गाली लगातार दे रहे हो। मामला लाइन का है, रामचरितमानस पे सवाल नहीं है। गरीब दलितों पर जो सवाल लाइन खड़े हुए थे, कोई बात आप उसको आप इंटरप्रिटेशन अलग करते हैं। पप्पू यादव गलत होगा तो क्या सब यादव को गरियाओगे? पप्पू पासवान गलत होगा तो सब दुसदवा को गरियाओगे? पप्पू सिंह गलत होगा तो रजपूता करोगे? कभी सबको गरियाने लगते हो। किसी भी किताब में जो लिखता है, राम नहीं ना लिखे भाई, कृष्ण गीता नहीं, उनके आचरण और विचारों को हम संकलन किए हैं। तो जिसने लिखा, हो सकता है उसका भाव या इंटरप्रिटेशन कुछ गलत हुआ हो या अलग इंटरप्रिटेशन उस वक्त का था। हमेशा हर चीज़ों में विवाद क्यों, काहे? आपको जो काम मिला है उसको करिए ना, कैलेंडर को सही करिए, कॉलेज के कैलेंडर को करिए, बीएसएससी का क्वेश्चन लीक नहीं हो, अमीन की बहाली हो, रोजगार मिले, टीचर में पैसा ना ले कोई ले, रिटर्न एग्जाम पर सब कुछ हो, लोगों को बहाली में तंग मत करिए, लाखों करोड़ों। क्या लगता है कि विवाद में किया जा रहा है जी, उनके बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? अगर बीजेपी को कोई धंधा है, चोर बचाए शोर, शीशा के घर में पत्थर, सब दिन आप दलित गरीब को गरियाए, वाल्मीकि का फोटो क्यों नहीं है गरीब बीजेपी के घर में? क्या लगता है, सुनिए, क्या लगता है, क्या लगता है, संत रविदास का फोटो क्यों नहीं है? चुहरमल का फोटो क्यों नहीं है? भुइया बाबा का फोटो क्यों नहीं है? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, उसकी तस्वीर क्यों नहीं लगाता? बुद्ध का तस्वीर दलितों के घर में ही कहा है? पप्पू यादव, पप्पू सिंह, पप्पू शर्मा के घर में क्यों नहीं है? सिर्फ पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू नुनिया के घर में क्यों? ये जो बड़े बड़े बात करते हैं, कभी जेसस क्राइस्ट को गरियाओ, कभी वाल्मीकि को नहीं मानते हैं। यदि अयोध्या में राम की मंदिर बनी है तो सीता की भी मंदिर बनाओ यहाँ बड़े, और वाल्मीकि की मंदिर बनाओ सबसे दुनिया का ऊंचा। गाली यही देते हैं, कुरान शरीफ को गाली देते हो, ग्रंथ को गाली देते हो और फिर राजनीति करते हो। इनको, इन लोगों को राम उम से मतलब नहीं। शिक्षा मंत्री ने जो बात कही वो न समय सही था न ये बात सही थी, तरीका अलग होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जीप काट लेंगे, मार देंगे, काट देंगे, ये जरूरी है क्या? एक महापुरुष ऐसे बोलता है क्या? और हर इंसान, हर धर्म, हर मजहब महापुरुष की इज्जत करना, उसके लिए जीना। महापुरुष हमेशा मानव कल्याण की बात किया है। लिखने वाला किताब में गलत सही हो सकता है, तुलसीकृत रामायण हम भूल कर सकते हैं, गीता में भूल हो सकती है, कृष्ण में और अर्जुन में भूल नहीं होगा। पप्पू यादव का जो रिश्ता है वो राम और हनुमान का है, इनके साथ कृष्ण और अर्जुन का, बुद्ध और अशोक का, मोहम्मद और हजरत का। और आज देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ विचारक, मानवतावादी नेता, जो चौधरी चरण सिंह लोहिया से लेकर आज तक अंतिम व्यक्ति की आवाज रहे, जिनको अंतिम समय में घर के लिए ठोकर खाने पड़े, दर दर ठोकर खिलवा दिया, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, जिन जिन लोगों को नेता बनाया, उनको रोड पर ला दिया, आज वो भी श्रद्धांजलि देंगे? आज उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि, शरद जी के लिए आदमकद मूर्ति का एक मधेपुरा में, एक पटना में मैं मांग करता हूँ, किसी भी कीमत पर, ये मेरा डिमांड है। और आज हम सब जुटे हैं सच्ची श्रद्धांजलि के साथ। मकर संक्रांति में हम आम आदमी के जीवन में रस ला पाए, उसको मुस्कुराने का अवसर दें, और वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता का दर्शन के साथ एक परिवार के तरह इस बिहार को देखें, 13.5 करोड़ लोगों को। इसीलिए हम आज, हमारे नेता इधर आदिल जी, अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेके छात्र सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं, इसीलिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। और मैं मानता हूँ कि पर्व को उत्सव नहीं मनाना चाहिए, पर्व में सिर्फ
नेता दलाल माफिया और अपराधियों का पर्व ना हो, ये आम आदमी की सच्ची श्रद्धांजलि हो, हम उसे सीख सकें, हम उसे सजा सकें भीतर, यही है पर्व। और इसीलिए हम आज गरीबों के बीच हैं।